गुड आफ्टरनून जैन बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए जो हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं बच्चों, आज हम लोग अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। अनुपात यानी कि रेशियो। तो आप बच्चों भिन्न जानते ही हैं कि भिन्न जो होती है, जैसे कोई भी भिन्न है, मैंने 7/4 लिखा तो ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको बच्चों अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो 7 को हम पूर्व पद भी कहते हैं और 4 को हम उत्तर पद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बच्चों प्रथम पद और द्वितीय पद भी है। अब देखिए, आइए हम तीन तरह के जो अनुपात यहाँ हैं उसको मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहला है गुरु अनुपात। तो गुरु अनुपात में जो अंश है वो हमेशा बड़ा होता है हर से। अंश जो है हमेशा बड़ा होगा हर से। जब ऐसा भिन्न के रूप में लिखा हो तो इसमें क्या होगा, हमेशा प्रथम पद जो है वो द्वितीय पद से हमेशा बड़ा होगा, तब ये अनुपात होगा गुरु अनुपात। और लघु अनुपात इसका बच्चों ठीक उल्टा है। इसको मैं अगर 4/7 लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वह जो है छोटा हो गया है द्वितीय पद से। तो जब भी ऐसा हो तो ये बच्चों ये लघु अनुपात में आएगा। अब तीसरा है साम्यानुपात। इसमें वही संख्या, जो संख्या ऊपर है वही संख्या अगर नीचे रहे, सेम अनुपात में रहे, तो इसको कहेंगे साम्यानुपात। बच्चों अनुपात को ज्ञात करते समय कुछ हमें विशेष सावधानियां बरतनी होती है। आइए इसको समझें। इस वाले सवाल में देखिए, 1 किलोग्राम अनुपात 600 ग्राम दिया हुआ है। देखिए अगर ये जो 7/4 है, ये इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में। ये दो बिंदी आपको लगा देनी है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दो बिंदी लगी हुई है। ये मात्रक जो है वो किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना हो, जब भी आपको अनुपात निकालना है इसके मात्रक जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों किलोग्राम हो या तो दोनों ग्राम हो। तो ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा जो बड़ी मात्रक है उसी को छोटी मात्रक में बदलना होता है, क्योंकि अगर हम एक को ग्राम में बदलेंगे, ये इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा और दशमलव हमेशा दिक्कत करेगा जब भी ये भिन्न के रूप में आएगा। तो हम बड़ी मात्रा को हम छोटी मात्रा में बदलेंगे। और आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, तब इसके बदले में लिख ले रहे हैं 1000 ग्राम। ठीक है, और ये हो गया 600 ग्राम। पहले से इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब दो देखिए दोनों की यूनिट सेम हो गई कि नहीं हो गई, ग्राम ग्राम। अब हम इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, तो हम इसको भाग के रूप में लिख देते हैं भिन्न के रूप में, ताकि आसानी से ये कट जाए। तो ये देखिए 1010 काटा मैंने, 1010 काटा। अब दिख रहा है कि ये 2 से कटेगा, तो 2 5 10, 2 3 6, कितना आ गया इसका अनुपात, 5:3 या 5/3। तो ये बदल गया देखिए। ठीक है, वैसे ही अगर हमें 4 घंटा और 24 मिनट का अनुपात निकालना है तो ये भी देखिए, यहाँ मात्रक जो अलग अलग, यहाँ घंटा है यहाँ मिनट है, हम किसको बदलेंगे, क्योंकि घंटा जो है वो बड़ी यूनिट है, बड़ी मात्रक है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे में कितने मिनट, 240। बस इसको हमें 4 को 60 से गुणा कर देना है, 4 × 60, तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में, और ये 24 मिनट पहले से है। अब देखिए, अब इसका अनुपात हमें लेना है, तो 4 × 60 ही लिख लूँ ताकि आसानी से हम, यहाँ आसानी होगी हमें काटने में। और ये 24 कर लीजिए, यहाँ पे 4 के पहाड़ी से काटिए, 4 × 4, 4 6 = 24, 6 × 6, और ये 10, कितना आ गया, 10:1, 10/1। देखिए दोनों सवालों में देखिए जो राशियां दी गई उसके जो मात्रक हैं वो समान होने चाहिए। यहाँ किलोग्राम यहाँ ग्राम था, तो हमने क्या किया, इसको भी ग्राम कर दिया, इसको भी ग्राम कर दिया। अभी देखिए साधारण रूप में आ गए, नहीं 5/3। अब हमने देख लिया कि हाँ इसका 5 रेशियो है, इसका 3 रेशियो है। वैसे ही यहाँ पे घंटे और मिनट था, तो यहाँ मैंने क्या किया, घंटे को किस में बदल दिया, मिनट में, ये भी मिनट ये भी मिनट, और दोनों अब मात्रक सेम हो गए कि नहीं, यूनिट सेम हो गए। इस तरह से ही रेशियोज आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये तीसरा एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका योग 40 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए हमें संख्या नहीं पता है, यहाँ पे संख्या का अनुपात दे दिया है। तो हम करेंगे क्या, माना हमने दोनों संख्याओं का समान अनुपात जो है वह x है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, फिर एक को हम 3x ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे, 5x।
ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या में पता चल गई हैं कि हमने x मान के ले लिया है दोनों संख्याओं को, उनका योग कितना है 40। योग की जगह अंतर भी हो सकता है, जब अंतर देगा तो आप घटाने का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, और योग है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, तो योग कितना है उसका 40 है। अब देखिए दोनों ही एक्स एक्स हैं, तब हम दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं आपस में, ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और एक्स को आप अपनी जगह लिख दीजिए बटे 40। और यहाँ पे बच्चों देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको याद रखना है, जैसे इसको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ मैं, 8 × 5 है और बराबर 40 है। देखिए ये संख्या हमको नहीं पता है, जैसे यहाँ x नहीं पता है वैसे ये नहीं पता है, ठीक है, तो ये हमें उत्तर कैसे मिलेगा, जब 8 नीचे जाकर इसको भाग करेगा, ठीक है, तब ये हमें 5 मिलेगा। इसको बच्चों कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा नियम है? ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है, ठीक है, ये नियम आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ पे x अकेला करना है, तो x को हमने लिख दिया, 40 को अपनी जगह लिखा, और मैं 8 को, जैसे 8 यहाँ नीचे जाके भाग दे रहा है, तो 8 ये नीचे चला जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ पे 8 का पहाड़ा या टेबल पढ़ के इसको काट सकते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। देखिए ये 5 स्वतः ही उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों यहाँ हमें x का मान मिल गया है, सवाल लेकिन क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्या में ज्ञात करनी है, तो हमने दोनों संख्याओं क्या मान लिया था, एक को 3x और एक को 5x, तो यहाँ बस हमें x का मान भर देना है, 3 और x साथ में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ x डाल दीजिए, x की वैल्यू 5 होती है इसकी 5, तो 3 × 5 = 15 और ये 5 × 5 = 25, तो दोनों संख्याएं मिल गई, एक 15 है, कितना है 25 से, देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 40 आ जाता है कि नहीं आता है, इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। तो दोनों संख्या उत्तर क्या आ गई, दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक है 15 और एक है 25, ठीक है बच्चों। ये बच्चों चौथा सवाल है, 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटें। अब ये संख्या दे दी गई है और यहाँ पे संख्या को बांटना है किस रेशियो में, 7/3, ठीक है, तो मान लीजिए दोनों का समान अनुपात जो है वो x है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी फिर, 7x और 3x, ठीक है, दोनों संख्या हमें पता चल गया, किसको हमें बांटना है, 1000 को बांटना है, अगर हम दोनों को संख्याओं को जोड़ दें, 7x + 3x जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो संख्याओं किस में बांटना है, 7x और 3x के रेशियो में बांटना है, अगर दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको जोड़ दे रहे हैं हम, 7 और 3 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10, और x अपनी जगह लिख दें बराबर 1000। और यही क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम फिर से हम लगाएंगे, ऊपर की संख्या नीचे जाएगी, तो एक्स को हमें अकेला करना है, तो 10 को हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे की तरफ, 1000 बटे 10, इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, नीचे बचा 1, ऊपर कितना बचा 100। अब बच्चों देखिए यहाँ हमें x मिल गया, अब संख्याएं भी मिल जाएंगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 700 और ये कितना हो जाएगा 300, तो देखिए संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, 1000 बढ़ गया, 700 में 300 जोड़ेंगे कितना होगा 1000 होगा, ठीक है, तो संख्या वो दोनों संख्या हम क्या क्या हो गई, एक 700 हो गई और एक 300 हो गई, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।